नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली जो कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन मास्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर के प्रमोशन के बारे में कि स्टेशन मास्टर को कितने प्रमोशन मिलते हैं और यहाँ पर कितने क्या क्या इनको प्रमोशन मिलते हैं सीनियोरिटी वाइज, और उसमें कितने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं जो कि बिल्कुल फुल प्रमोशन के बेस पे है ये वीडियो, ओनली फॉर प्रमोशन के बेस पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बता दें कि आपको डिटेल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले सब्सक्राइब, बगल में घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, बताया क्या डिटेल। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन मास्टर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर आप कैसे बन सकते हैं वो पूरी जानकारी के साथ, जो कि 2020 में जिन लोगों का सपना है 2020 में स्टेशन मास्टर बनने का, तो कैसे हो सकता है सपना पूरा उनका। आप भी स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो लोग चाहते हैं इस वीडियो को देखना उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन मास्टर की, यहाँ पे जो कि मैं बताने वाला प्रमोशन के बारे में। दोस्तों ये प्रमोशन होते हैं ओनली फॉर एज के बेस पे और सीनियोरिटी के बेस पे, जो कि मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों ये स्टेशन मास्टर की जो ग्रेड पे होती है वो बेसिकली होती है यहाँ पे 4200 रुपये, और ये बेसिक पे होती है दोस्तों यहाँ 35400 रुपये होती है, ठीक है दोस्तों। इनका दोस्तों यहाँ पे 2 साल सर्विस करने के बाद इनका जो कि प्रमोशन किया जाता है एज लिमिट के बेस पे या सीनियोरिटी के बेस पे, तो ये होता है यहाँ पे डिप्टी ऑफ सुपरिटेंडेंट स्टेशन मास्टर, ठीक है दोस्तों। इनकी जो ग्रेड पे होती है वो दोस्तों यहाँ पे 4600 रुपये होती है, और बेसिक पे होती है दोस्तों यहाँ पे 44900 होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनके उसके बाद इनका कोई सर्विस कितनी चाहे कर ले, 2 साल करे काम चाहे 1 साल काम करें, उसके बाद इनका अगला प्रमोशन कर दिया जाता है जो कि यहाँ पे सुपरिटेंडेंट स्टेशन मास्टर होते हैं, जिनकी ग्रेड पर होती है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 4800 रुपये, और इनकी सैलरी होती है दोस्तों यहाँ 47600, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ पे पोस्ट खाली है इन लोगों का दोस्तों, जो कि बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे, यदि इन लोगों का स्टेशन सुपरिटेंडेंट का रिटायरमेंट हो जाता है दोस्तों, ये पोस्ट खाली रहती है, फिर ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्टेशन मास्टर इनका प्रमोशन कर दिया जाता है इसमें, और स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट खाली होती है यहाँ पर डिपार्टमेंटल सॉरी दोस्तों यहाँ पर डिप्टी ऑफ स्टेशन सुपरिटेंडेंट स्टेशन मास्टर की, तो इनका प्रमोशन कर देता है इसमें, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कैसे होते हैं इनमें। स्टेशन मास्टर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों, इसका एग्ज़ाम करवाती है जो कि LDCE करवाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं LDCE एग्ज़ाम करवाती है, और ये एग्ज़ाम जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर सर्विस देन अप्लाई फॉर द AOM, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने माना आपने यहाँ पे स्टेशन मास्टर पे अपने पद पे काम किया, और यहाँ पे दोस्तों आपको 5 साल रेगुलर काम करेंगे तो आप AOM जो कि LDCE द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे AOM के लिए 5 साल आपने काम किया तो आप AOM जो LDCE द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए एलिजिबल होंगे, तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। AOM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म होती है जो असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इसके ग्रेड पर कितने होते हैं AOM के, दोस्तों यहाँ पे स्टेशन मास्टर के जो AOM में जो होते हैं उनकी ग्रेड पे होते हैं दोस्तों 4800 रुपये, और यहाँ पे जो उनकी बेसिक पे होती है दोस्तों 47600 होती है, जो कि एक स्टेशन मास्टर से कई ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे AOM में आपको 5 से 8 साल काम करेंगे सर्विस देंगे तो आप यहाँ प्रमोट कर दिए जाएंगे DOM में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि AOM में आप काम करेंगे 5 साल, तो ये 5 से लेकर 8 साल तो आपका प्रमोशन किया जाए 10 एज के बेस पे, ठीक है दोस्तों। तो आप DOM के लिए एलिजिबल मतलब कि दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्टिंग कर दी जाएगी, जो कि DOM की जो बेसिक पे होती है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो DOM की जो बेसिक पे होती है दोस्तों यहाँ पे होती है 5400 रुपये, और दोस्तों इनकी जो बेसिक पे होती है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 56100 रुपये होती है, जो कि DOM की बेसिक ये ग्रेड पे है और ये है बेसिक सैलरी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों AOM बनने के लिए आपको मिनिमम 5 साल की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं AOM में काम करने के दोस्तों आपको 5 साल की मिनिमम जो कि है आपको यहाँ पे सर्विस देना पड़ेगा, SM में दें या फिर डिप्टी ऑफ सुपरिटेंडेंट स्टेशन मास्टर में दें या फिर स्टेशन मास्टर में दें सुपरिटेंडेंट स्टेशन मास्टर में दें, किसी में दोस्तों आपको 5 साल की नौकरी देनी पड़ेगी आपको, तो जाके आप AOM के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये थी सारी जानकारी जो आपको हमने स्टेशन मास्टर के प्रमोशन के बेस से बताया, और इसमें बताया हमने कि कितने स्टेशन मास्टर को कितने प्रमोशन मिलते हैं यहाँ पे, और एसएम के बारे में पूरी जानकारी दी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो भी आंकड़े हमने लिए जो कि इंटरनेट के माध्यम से लिए और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ लिए जो कि 2020 के अपडेट के साथ है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पहले विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब अगर में घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव बात के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।